यस बेटा, गुड आफ्टरनून एवरीवन। सर गुड आफ्टरनून। सर गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून बेटा। बेटा योर नेक्स्ट पॉइंट इज डिपेंड इज बेस्ड योर नेक्स्ट सॉरी योर नेक्स्ट एक्सरसाइज बेस्ड ऑन दिस पॉइंट फिगर्स विद मल्टीपल लाइंस ऑफ सिमेट्री। यानी हमें ऐसे फिगर्स की बात करनी है जिसमें मल्टीपल लाइंस ऑफ सिमेट्री होते हैं, ठीक है। इससे पहले हमने जो एक्सरसाइज डिस्कस किया था वो सिमेट्रिकल, उसमें मोर देन वन था, मींस टू लाइन ऑफ सिमेट्री की बात की गई थी। बट यहाँ पे मल्टीपल लाइन ऑफ सिमेट्री की बात की जानी, दो से ज्यादा चार छह और भी हो सकते हैं इतने लाइन ऑफ सिमेट्री। ऐसे फिगर कौन से होते हैं जिसमें मल्टीपल लाइन ऑफ सिमेट्री होते हैं? अब देखिए, इसमें उन्होंने बात किया है वी ऑब्जर्व मल्टीपल लाइन ऑफ सिमेट्री इन मेनी थिंग्स सच एज सनफ्लावर। बेटा करें मल्टीपल लाइन ऑफ सिमेट्री की बात किया तो करें हम बहुत सारे चीजों में मल्टीपल लाइन ऑफ सिमेट्री देखते हैं। जैसे इन्होंने कहा सनफ्लावर इज ऑफ अ वेहिकल एंड कैंडल कैंडिलियर्स टू नेम अ फ्यू। द कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीपल लाइन ऑफ सिमेट्री इज यूज्ड टू डिजाइनिंग Chandeliers to ensure even distribution of light within a confined area. चलिए देखते हैं क्या होता है। Exactly इसमें circular figure की बात किया जाता है। जब भी multiple line of symmetry की बात करेंगे तो almost हम circular figure की बात करते हैं। जैसे let us look at the line of symmetry in an equilateral triangle. Can let us look कितने लाइन ऑफ सिमेट्री होते हैं चलिए ये देखते हैं। तो आप जानते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल मींस अ ट्रायंगल हुज ऑल साइड्स आर इक्वल, यानी एक ऐसा पॉलीगन जिसके एक ऐसा ट्रायंगुलर पॉलीगन या थ्री साइडेड पॉलीगन जिसके ऑल साइड इक्वल होते हैं उसे हम इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलते हैं। अब इसके लाइन ऑफ सिमेट्री की बात करो तो इसमें कितने लाइन ऑफ सिमेट्री है? 1, 2, 3, ये 3 लाइन ऑफ सिमेट्री इसमें पास आउट होते हैं। ओके, यहाँ पे आप देख पा रहे हो देयर आर 3 लाइन ऑफ सिमेट्री ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, यानी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के 3 यानी मोर देन 2 है तो इसे मल्टीपल लाइन ऑफ सिमेट्री की कैटेगरी में रख सकते हैं। इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इन्होंने कहा द नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 3। यहाँ पे क्या फिल करेंगे? 3, बिकॉज आप देख पा रहे हो इसमें 3 लाइन ऑफ सिमेट्री। एक क्वेश्चन ने आज किया नेक्स्ट पॉइंट में कैन यू गेस द नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री इन अ स्क्वायर। क्या आप बता सकते हो किसी स्क्वायर में कितने लाइन ऑफ सिमेट्री होते हैं? यस बेटा सिर्फ 4। बता नहीं सकते? यस, अ स्क्वायर हैज 4 लाइन ऑफ सिमेट्री। यहाँ इन्होंने दिखाया है अ स्क्वायर हैज 4 लाइन ऑफ सिमेट्री। हाउ? चलिए देखते हैं कैसे। जैसे ये स्क्वायर है तो 1, 2 ये डायगोनल के अलावा 2 लाइन ऑफ सिमेट्री पास कर गए, और जो ये आपका वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल ये 2 मोर लाइन ऑफ सिमेट्री हो जाएंगे। इस तरह से 4 लाइन ऑफ सिमेट्री इसमें होंगे। कितने? 4। इन्होंने क्वेश्चन आस्क किया बेटा देयर आर 2 लाइंस ऑफ सिमेट्री इन अ रेक्टेंगल व्हाइल देयर आर 4 इन स्क्वायर। व्हाई? बेटा रेक्टेंगल की बात कर लो तो उसमें कितने लाइन ऑफ सिमेट्री होते हैं? रेक्टेंगल क्या होता है? अ क्वाड्रिलेटरल हुज अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, यानी एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके अपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल होते हैं। इसमें 2 ही लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, 4 लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती। क्यों? क्योंकि इनको अगर डायगोनल के अलावा हम इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ भी करते हैं तो हम देखते हैं ये 2 आइडेंटिकल पार्ट में नहीं डिवाइड होते, इसलिए एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप नहीं करेंगे, इनके फोल्ड एक दूसरे के ऊपर आएंगे नहीं। आप फोल्ड करें तो एक दूसरे को पूरी तरह से कवर नहीं कर पाएंगे, है ना। इट मीन्स ये जो 3rd लाइन ऑफ सिमेट्री है ये इसका लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं हो सकता। ओके, हमने डायगोनल के अलावा जो ड्रॉ किया ये गलत बात हो जाए, ये नहीं हो।
चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं आपका। इन्होंने कहा लेटर फाइव काउंट करके चेक कर लो, इसके बाद भी कोई है नहीं ना, फाइव लाइन ऑफ सिमेट्री होते हैं इसमें, 1 2 3 4 5। यानी जितने साइडेड पॉलीगन, एक रेगुलर पॉलीगन की बात करें तो जितने साइड का होगा उसमें उतने ही नंबर ऑफ लाइंस ऑफ सिमेट्री होते हैं। रेगुलर पॉलीगन की बात करें, चाहे वो पेंटागन हो, चाहे स्क्वायर हो, या रेगुलर हेक्सागन हो, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ऐसे कहना है ड्रा द लाइन ऑफ सिमेट्री फॉर द फॉलोइंग रेगुलर पॉलीगन। ये सारे रेगुलर पॉलीगन है, इनके लिए लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करना है। तो आप जानते हो कितने साइड है इसमें, फर्स्ट फिगर की बात करो, 1 2 3 4 5 6, यानी एक हेक्सागन है। तो हेक्सागन में कितने लाइन ऑफ सिमेट्री होगी, 1। सेकंड की बात कर लो भाई, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल, 2 हो गया। अब थर्ड की बात कर लो, एक इस साइड से जाएगा, 3 हो गया, एक साइड से जाएगा, 4 हो गया, एक अभी और कहां से जाएगा भाई, कुछ तो छूट रहा है। यस सर, छूट रहा है यहां से, ये भी तो छूट रहा था, और अभी कहीं छूट रहा है, यस सर यहां से छूट रहा है। क्या इसमें सिक्स लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं दिख रहा है आप लोगों को इस फिगर में? सर दिख रहे हैं। ऐसे ही आपको रेगुलर पॉलीगन की बात करेंगे तो आप लाइन ऑफ सिमेट्री सेम एज ड्रॉ करेंगे। ठीक है, आपने देखा इस फिगर में किस तरह से सिक्स लाइन ऑफ सिमेट्री है। लाइन ऑफ सिमेट्री क्या होती है इसके बारे में तो आपको बताना नहीं है। आप इससे पहले के तमाम सारे एक्सरसाइज डिस्कस किए गए उसमें बताया गया क्या करता है, ये फिगर को 2 आइडेंटिकल हाफ में, यानी 2 इक्वल हाफ में डिवाइड कर देता है। इसमें भी लाइन ऑफ सिमेट्री होते हैं। सेकंड, एक रेगुलर हेक्सागन दिया गया है सेकंड फिगर में, इसके लिए भी लाइन ऑफ सिमेट्री आप ड्रॉ करोगे तो 8 लाइन ऑफ सिमेट्री होंगे इसमें। कितने, सेकंड फिगर की बात कर लें, इसमें 8 लाइन ऑफ सिमेट्री होंगे। अगर ये रेगुलर हेक्सागन है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लाइन ऑफ सिमेट्री। ओके, एट लाइंस ऑफ सिमेट्री हो गया ये रेगुलर ऑक्टागन का। ठीक है, अब चलिए बात करते हम एक सर्कल के लिए। अगर आपको पूछता सर सर्कल में कितने लाइन ऑफ सिमेट्री होते हैं, सर इनफाइनाइट लाइन ऑफ सिमेट्री होते हैं, काउंटलेस। क्या होता है, काउंटलेस, और भी होते हैं। चलिए कहा ड्रॉ ऑल द पॉसिबल लाइन ऑफ सिमेट्री फॉर द फिगर्स गिवन बिलो। ये आप लोग करेंगे, देखिए कैसे करना है। इसमें फिगर में बेटा जितनी पॉसिबल लाइन ऑफ सिमेट्री है ड्रॉ करेंगे तो कर सकते हैं इसको। यस सर, इसमें देखिए आएंगे कितने लाइन ऑफ सिमेट्री, 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 6। कितने लाइन ऑफ सिमेट्री फॉर्म होंगे इसमें, 6 सर, 6 आप इसमें देखोगे 6 लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि आप डॉट के थ्रू मैंने देखा तो डॉट के थ्रू यार इसको मैं मेक करा दें, उसके बाद यहाँ पे मैंने सेकंड डॉट इसको इस्तेमाल यूज किया है, ये वाले इन डॉट का मेक करा दें, फिर मैंने इन डॉट का यूज किया तो इसको मेक करा दो, सॉरी इन डॉट का यूज किया है तो इसको भी मेट करा देते हैं।
फिर आप क्या करोगे, इसको हॉरिजॉन्टल वाले को मीट करा दे, उसके बाद आप क्या करोगे इनको मीट करा दे सर, इनको इनको आप इनको भी मीट करा दीजिए। नहीं थोड़ा सा रॉन्ग हुआ है, थोड़ा सा रॉन्ग हुआ, ये यहाँ मीट करना चाहिए था, ये यहाँ पे मीट करना, आप लोग कर लेंगे है ना, थोड़ा सा यहाँ पे मैंने मिसमैच कर दिया है, सो दैट्स व्हाई ये आपका इनकरेक्ट हो गया। चलिए आप क्या करोगे, सबसे पहले आप इस हॉरिजॉन्टल को ड्रॉ करेंगे, हॉरिजॉन्टल, उसके बाद इसमें इस वर्टिकल लाइन को ड्रॉ करेंगे, उसके बाद इसमें इस डायगोनल को लॉन्ग जाएगा, इसके बाद सेम एज इस डायगोनल के लॉन्ग जाएगा, फोर तो हो गया अभी ये, इसके बाद आपका रिमेंस हो रहा है ये वाला, इसके बाद एक और रिमेंस है, कौन सा रिमेंस है भाई, ये वाला आपका, सिक्स लाइन ऑफ सिमेट्री आप इसमें ड्रा करते हैं, है ना, सिक्स लाइन ऑफ सिमेट्री आपको, यस सर, सेम एज इस फिगर के लिए भी करना है, तो मल्टीपल लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रा करना, आपने कुछ हद तक सीख ही लिया होगा, तमाम सारे जो भी डिस्कशन हुए, जितने पॉइंट डिस्कस किए गए उनके थ्रू आपने मल्टीपल लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रा करना सीखा। अब देखिए अमेजिंग फैक्ट की बात कर रहे हैं, व्हेन अ स्टोन इज ड्रॉप्ड इन स्टिल वाटर the object ripples in the shape of circles moving away from the point where the stone hit the water, the ripples follow point where the stone hit the water, the ripples follow a symmetrical pattern due to the continuous and equal distribution in water particle in all direction। आपने देखा होगा जब हम पानी में पत्थर फेंकते हैं, तो जिस स्थान पे पत्थर को फेंका गया था पानी में, वहां से आप देखते हो उसके रिपल्स फॉर्म होने लगते हैं, रिपल्स क्या होते हैं, तो उसमें तरंगे उठती हैं, वो जो वेव्स होती हैं सर्कल के फॉर्म में आगे की तरफ बढ़ने लगती है, देखते हो ना ऐसे गोला गोला सा बढ़ने लगता है, और ये कंटीन्यूअस पैटर्न होते हैं, लगातार ऐसे बढ़ते जाते हैं और किनारों तक जाती है ये, ठीक है। चलिए एक सिमेट्रिकल पैटर्न होता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पेज की, आपके एक्सरसाइज डिस्कशन की, इन्होंने की बात किया है, द नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री इज इन आई स्क्वायर एट, बेटा नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री इन आई स्क्वायर एट कितने होते हैं स्क्वायर में सर, फोर, यहाँ पे आप राइट करेंगे फोर, because you know that I square has four line of symmetry, आपको पता है square में four line of symmetry होता है। Point number B की बात कर ले, the number of lines of symmetry in a circle is, एक circle में कितने होते हैं sir, infinite, infinite many or countless sir, countless, काउंटलेस भी बोल सकते हैं, इनफाइनाइट भी बोल सकते हैं, मेनी भी बोल सकते हैं, द नंबर ऑफ लाइंस ऑफ सिमेट्री इन अ रेगुलर हेप्टागन, बेटा रेगुलर हेप्टागन होता कितने साइडेड होता है, पहले ये तो आप कंफर्म कर लो, रेगुलर हेप्टागन में सेवन साइडेड पॉलीगन, और रेगुलर सेवन साइडेड पॉलीगन जो होता है उसे रेगुलर हेप्टागन, तो इसमें नंबर ऑफ अगर साइड की बात करें तो इसमें कितने सेवन होते हैं, तो लाइन ऑफ सिमेट्री भी सेवन ही होगा, लाइन ऑफ सिमेट्री भी कितने हो गए सेवन, ओके यस 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 सर। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस एंड गिव रीजंस फॉर योर आंसर, हाउ मेनी लाइंस ऑफ सिमेट्री डज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल हैव, बेटा एक इक्विलेटरल ट्रायंगल में कितने लाइन ऑफ सिमेट्री हो सकते हैं या होते हैं, थ्री, कितने होते हैं थ्री, और इट हैज
it is an three-sided polygon. Beta, आप जानते हो it has three sides. So it has three lines of symmetry. Okay? यानी हम कह सकते हैं कि जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है three sides होते हैं जिसकी वजह से three lines of symmetry होते हैं. Regular side होते हैं. सभी ट्राइंगल में होते हैं रेगुलर साइड होते हैं तो इसके वजह से लाइन ऑफ सिमेट्री भी होता है. इसका डायमीटर ऑफ अ सर्कल इट्स लाइन ऑफ सिमेट्री. बेटा इन्होंने कहा है क्या किसी सर्कल का जो डायमीटर होता है, डायमीटर क्या होता है जो सेंटर से पास करती है लाइन, इसी को डायमीटर बोलते हैं. तो किसी सर्कल का डायमीटर उसका लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होता है. होता है डायमीटर ऑफ सर्कल ऑफ इट्स लाइन ऑफ सिमेट्री. यस यहाँ पे आंसर राइट करेंगे यस, बिकॉज हम जानते हैं कि जो ये क्या करता है इसको टू इक्वल हाफ में डिवाइड कर देता है. डायमीटर क्या करता है, सर्कल को टू इक्वल हाफ में डिवाइड करता है. तो वी कैन से दिस डायमीटर लाइक अ लाइन ऑफ सिमेट्री. ओके चलिए पॉइंट नंबर K3 की बात करेंगे. व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग सॉरी व्हिच ऑफ द गिवन लेटर हैव मोर देन वन लाइन ऑफ सिमेट्री. बेटा आपको ये बताना है इसमें कौन सा ऐसा लेटर है जिसमें एक से ज्यादा लाइन ऑफ सिमेट्री है. तो आप बोलते हैं कैपिटल ए की बात कर लो, कैपिटल ए की बात कर ले उसमें ओनली वन लाइन ऑफ सिमेट्री होती है. बी की बात कर ले तो इसमें भी ओनली वन लाइन ऑफ सिमेट्री होती है. सी की बात कर ले तो इसमें ओनली वन लाइन ऑफ सिमेट्री होती है. ओ की बात कर ले इसमें मोर देन वन लाइन ऑफ सिमेट्री होता है. ओ इसमें व्हिच ऑप्शन इज करेक्ट फॉर दिस, व्हिच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी. आप लोग बोलते नहीं है बीच में किसी के यहाँ से वॉइस आ रही है, देख लीजिए पता नहीं पेज क्या पलट रहे हो कैसे आवाज आती रहती है. आप लोग इस सब चीजों का ध्यान रखा करो. चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं. इन्होंने कहा पॉइंट नंबर K4 में द नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री इन अ रेगुलर डेकागन. बेटा रेगुलर डेकागन में पॉलीगन को डेकागन बोलते हैं और इसमें अगर नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री की बात की जाए तो कितने होंगे, 10. यही तो हमने बताया था. यस सर, यस सर. तो यहाँ पे अगर आप ये डेकागन रेगुलर डेकागन की बात की तो वहां पे लाइन ऑफ सिमेट्री करेंगे 10 हो जाएगा. इज द डॉटेड लाइन अ लाइन ऑफ सिमेट्री इन द फिगर बिलो. क्या ये जो डॉटेड लाइन है ये एक लाइन ऑफ सिमेट्री है? नो सर. नहीं नो, क्यों? बिकॉज ये इसको टू इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं कर पा रहा है. आप जान रहे हो ये देख पा रहे हो ये जो लाइन ऑफ सिमेट्री यहाँ ड्रॉ की गई है ये फिगर को टू इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं कर पा रहा है. तो वी कैन से दिस इज नॉट अ लाइन ऑफ सिमेट्री. ओके दिस डॉटेड लाइन इज नॉट अ लाइन ऑफ सिमेट्री. पॉइंट नंबर K6 की बात करेंगे जिसमें कह रहे ड्रॉ ऑल द लाइन ऑफ सिमेट्री फॉर द फिगर गिवन बिलो. बेटा इसमें जितने भी लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ किए जा सकते हैं वो कर लेना. आप लोग इसको करेंगे ठीक है, मैं आपसे इसको ड्रॉप कर दे रहा हूँ क्वेश्चन आपके लिए. यस सर. ये भी लाइन ऑफ सिमेट्री में आएगा. आपका नहीं होगा, मैंने ध्यान नहीं दिया. और कौन सा नहीं होगा? ये भी नहीं होगा. ये
आप ड्रा करके चेक करना, ठीक है? जो भी होगा नेक्स्ट क्लास में इसको हम देखेंगे, तो आप पहले ट्राई कीजिएगा, अभी क्लियर कर देंगे तो फिर आप कुछ नहीं करेंगे। चलिए नेक्स्ट फिगर की बात करें, ड्रा द लाइंस ऑफ सिमेट्री फॉर द फिगर गिवन बिलो। इसमें बेटा साइड काउंट कर लो, कितने साइड है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये डेकागन है, डेकागन है ना, तो डेकागन में कितने सिमेट्री होंगे, 10 लाइंस। अगर इस रेगुलर डेकागन की बात करें तो 10 होंगे। Again, which of the following is of the given figure has or have more than two line of symmetry? Bita, kaun se figure aise hain do se zyada line of symmetry hai? Draw karke check kar lena, do se zyada aayenge hum unko dikha sakte hain। Point number C mujhe lag raha hai, agar more than two line of symmetry ki baat kare to point number C hoga, aur koi point ho sakta hai kya? No, no sir। B में भी टू लाइन ऑफ सिमेट्री है, क्या है, कंप्लीट द टेबल बाय राइटिंग डाउन द नंबर ऑफ लाइंस ऑफ सिमेट्री इन द गिवन फिगर। बेटा आपने एक एक्सपेरिमेंट किया होगा, सर्वे सारे में नंबर ऑफ लाइंस ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करेंगे, उसके बाद ऑटोमेटिक आपको पता चलता जाएगा किसमें कितने नंबर ऑफ लाइंस ऑफ सिमेट्री है, ठीक है? तो ये आप लोग ट्राई करेंगे पॉइंट नंबर के नाइन, ओके? यस यस सर। अगर हम बात करते हैं इसमें एक ये देखिए, पहले काउंट कर लो रेगुलर किस रेगुलर शेप से मैच कर रहा है। अगर रेगुलर शेप की बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7, हाँ 1 2 3 4 5 6 7, ये एक रेगुलर हेप्टागन है, एक रेगुलर हेप्टागन है। तो रेगुलर हेप्टागन में लाइंस ऑफ सिमेट्री कितने होंगे, 7। तो 7 ये कैसा होगा, 7 लाइन ऑफ सिमेट्री इसमें होंगे। अब ड्रॉ करके चेक करना, 7 ही आएगा। अब ये देखो इसकी बात कर ले, इसमें कितने लाइंस ऑफ सिमेट्री, 1 2 3 4 5, एक रेगुलर पेंटागन है तो रेगुलर पेंटागन में 5 लाइंस ऑफ सिमेट्री होते हैं। ये स्टार शेप है, स्टार शेप में बात करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 है, इसमें मुझे 10 साइडेड पॉलीगन है ना, तो ये बेटा जी इसको आप 10 लाइंस ऑफ सिमेट्री इसमें ड्रा करेंगे, कितने 10, क्या ऐसा है? नहीं, 10 नहीं होंगे इसमें, इसको आप करके चेक करेंगे इसमें तो आपका 7 हो जाएगा, इसमें आपका 5 हो जाएगा, बट इसमें करके चेक करें 1 2 3 4 5, कितने होंगे, 5 5। तो लाइन ऑफ सिमेट्री की बात करें तो कितने होंगे, 5। इसमें कितने होंगे नेक्स्ट फिगर में, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो 1
What's only one? कितने only one? Only one line of symmetry है. एक ही line of symmetry है इसके पास. और कोई दूसरा नहीं ड्रा कर सकते इसमें. ठीक है? ये है कोई option नहीं है ना? इसमें one, इसमें five, इसमें five, इसमें seven. ये फिल करेंगे. नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं. आई होप ये पॉइंट अब होगा, क्लियर हो गया होगा. यस सर. हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 18 की, जिसमें दिया गया है फाइंड द नंबर ऑफ लाइंस ऑफ सिमेट्री ऑफ द फिगर गिवन बिलो. बेटा जी थोड़ा सा ये रेगुलर तो लग नहीं रहा आपका, तो क्या लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ किया जा सकता है? फाइंड द नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री ऑफ द फिगर गिवन बिलो. क्या इसमें किसी प्रकार की लाइन ऑफ सिमेट्री आप लोगों को नजर आ रही है इस फिगर के लिए? नो सर, इट हैज नो लाइन ऑफ सिमेट्री. आप ड्रॉ करके चेक करो, कहीं से हम ड्रॉ ही नहीं कर सकते. इसमें किसी प्रकार का लाइन ऑफ सिमेट्री हम ड्रॉ नहीं कर सकते. ठीक है, हम कहीं से बिकॉज यहाँ पे अगर हमारे पास सोचते हैं हॉरिजॉन्टल ड्रॉ कर दे, तो आप देख पा रहे हो ये और ये टू इक्वल हाफ में नहीं डिवाइड हो पा रहे हैं. टू इक्वल हाफ में नहीं डिवाइड हो पा रहे. ठीक है, टू इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं हो पा रहे. बात ये कहने का मतलब ये इसमें प्रकार की नो लाइन ऑफ सिमेट्री. इट हैज नो लाइन ऑफ सिमेट्री. इट हैज नो लाइन ऑफ सिमेट्री. ओके, अब हम बात करेंगे इसके फर्दर पॉइंट की. बताइए इसमें जितने पॉइंट डिस्कस किए इसको लेकर किसी को डाउट तो नहीं है? नो 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 सर. रिफ्लेक्टर एंड सिमेट्री. अब बात आती है रिफ्लेक्टिव सिमेट्री क्या होता है. रिफ्लेक्टर एंड सिमेट्री जी, मिरर के सामने हम जब खड़े होते हैं जैसे लाइक अ मिरर, रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन सिमेट्री क्या होती है इसकी बात अगर करें, तो लाइक अ मिरर यानी जो मिरर इसमें फॉर्म होता है उसे रिफ्लेक्शनल सिमेट्री के थ्रू फॉर्म होता है. देखते कैसे आप अपनी इमेज को देखते हो मिरर में, क्या हैव यू एवर ऑब्जर्व योर इमेज इन अ मिरर? इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन यू एंड योर रिफ्लेक्टेड इमेज? बेटा किसी प्रकार का डिफरेंस नजर आता है? जब आप दर्पण के सामने खड़े होते हो तो आपकी इमेज और आप में कुछ डिफरेंस नजर आता है? हाँ, लेटरल इन्वर्जन नजर आता है. कौन सा चीज नजर आता है? लेटरल इन्वर्जन. भाई हमारा बाया दाया हो जाता है और दाया बाया हो जाता है. लेफ्ट राइट में नजर आता है और राइट लेफ्ट में नजर आता है. ऐसा सीम होता कि नहीं होता? यस सर. तो आप ऐसे ही होता है. जिस लाइन ऑफ सिमेट्री के अलावा जो फिगर्स है उसका लेफ्ट राइट में हो जाए और राइट लेफ्ट में हो जाए तो उसे बोलते हैं मिरर लाइन और सिमेट्री ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं. क्या बोलते हैं? सिमेट्री ऑफ रिफ्लेक्शन. उस मिरर लाइन को या उस सिमेट्रिकल लाइन को हम सिमेट्री ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं. चलिए देखते हैं. अरे अगर आर को किसी मिरर के सामने रखें तो इस तरह से जो इमेज है इन्वर्ट हो जाएगा यानी पलट जाएगा.
बायां का दायां और दायां का बायां हो जाएगा। तो इस तरह से जो ये इमेज फॉर्म होगा ये इसका रिफ्लेक्शनल सिमेट्री होता है। कैसा होता है? रिफ्लेक्शनल सिमेट्री। ठीक है, आप ऐसे ही देखिए जो ये यहाँ पे दिया ये दिखाया गया है किस तरह से डॉटेड लाइन से ये मिरर के सामने आर रखा गया था, उसमें आर जो है इन्वर्ट हो गया, पलट गया। पहले आर ऐसे बनाया गया था, इसे मिरर लाइन के सामने रखा गया, यानी मिरर के सामने रखा गया, तो जो इसकी इमेज फॉर्म होगी कैसी होगी? इस तरह से इमेज फॉर्मेशन इस तरह से हो जाएगा। तो ये इसका रिफ्लेक्शनल सिमेट्री शो कर रहा है। ठीक है, yes, कलर जाएगा बाया का बाया और बाया का बाया। देखिए इसमें कह रहे हैं, चलिए लेट अस नो हाउ टू क्रिएट द मिरर इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट यूजिंग अ ग्रिड। डिफाइन द लाइन ऑन द ग्रिड व्हिच वुड एक्ट एज अ मिरर लाइन एंड लेबल इट। Draw the figure of an object on the left side of the mirror line by marking the vertices and adjoining them. बेटा इसमें ये आपका शो करके दिखाया गया है, इस तरह से इस रेड लाइन को एज अ मिरर लाइन यूज किया गया है और इसके सामने यहाँ पे एक फिगर ड्रॉ किया गया है। तो हम देखते हैं फ्रंट में यानी मिरर में कैसा फिगर फॉर्म होता है। तो ये इसका मिरर इमेज फॉर्म हो गया। ठीक है, इसी को मिरर इमेज बोलते हैं। तो लाइन ऑफ इस सिमेट्रिकल लाइन को मिरर लाइन बोलते हैं या लाइन ऑफ सिमेट्रिकल सॉरी रिफ्लेक्शनल सिमेट्रिकल लाइन बोलते हैं। ठीक है, रिफ्लेक्शनल और सिमेट्री ऑफ रिफ्लेक्शन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सिमेट्री ऑफ रिफ्लेक्शन या मिरर लाइन। एक सब पॉइंट में ये आपका डन है, इसकी बात कर लें, इसको कंप्लीट करना है। ये कंप्लीट करना है तो सेम है जैसे यहाँ पे डॉट जितना लीफ हुआ वहां से जितने डॉट लीफ करेंगे। ठीक है, अगर यहाँ से हम देखें तो ये इस मिरर लाइन के अलॉन्ग, इस मिरर लाइन के अलॉन्ग तो ये मिरर लाइन है। इस मिरर लाइन के अलॉन्ग यहाँ से वन स्टेप ये बैक आ रहा है, तो वन स्टेप आप यहाँ से मूव किए, यहाँ से ये कितने चार ग्रिड को टेक करके यहाँ पहुंच रहे हैं? वन टू थ्री फोर सॉरी इसकी बात की गई है। पहले किसकी बात की गई है? इस लाइन ऑफ इस लाइन की, इस लाइन की बात करेंगे सबसे पहले। उसके बाद इससे होता हुआ एक अनदर लाइन आया है जो कहां मीट कर रहा है? इस पॉइंट में मीट कर रहा है। यहां से जाता हुआ एक लाइन जाएगा ये इस तरह से, है ना? Yes। उसके बाद सेम एज यहाँ से आता हुआ एक लाइन आएगा, ये मीट करा देंगे और ये आता हुआ यहाँ आएगा, इस तरह से मीट करेंगे। अब बेटा एक चीज और देख लेते हैं, तो एक्सरसाइज आप लोग ट्राई कीजिएगा। मिरर लाइन आपको पता हो गई क्या करता है? ये एक्ट करता है, ये क्या करता है? इमेज को इन्वर्ट कर देता है, लेटरल इन्वर्जन शो करता है, जो मिरर इमेज फॉर्म होता है, यानी बाया का बाया और दाया का बाया दिखने लगता है। ठीक है, तो आपको ये पूरी बात ये होता है सिलेंडर लाइन से एन ऑब्जेक्ट एंड इमेज आर सिमेट्रिकल और असिमेट्रिकल। बेटा एक चीज बताना है, क्या जो किसी वस्तु का जो बॉडी और उसका जो इमेज फॉर्म होता है तो वो दोनों एक दूसरे कैसे होते हैं? सिमेट्रिकल होते हैं कि नहीं होते हैं? क्या सिमेट्रिकल होते हैं? होते हैं। रिफ्लेक्शनल सिमेट्री होती है उसमें, रिफ्लेक्शनल सिमेट्री होती है। ठीक है, बायां का दायां और दायां का बायां दिखता है उसमें। तो ये सारे पॉइंट हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, बिकॉज आज टाइम ओवर हो रहा है, तो
बेटा आज यही पे ओवर किया जा रहा है, ठीक है। जो फर्दर पॉइंट्स है यानी जो रिफ्लेक्शन और सिमेट्री के पॉइंट्स है वो नेक्स्ट क्लास में क्लियर कर दिया जाएगा, ठीक है। इससे पहले का एक्सरसाइज 13.4 वो आपको ट्राई कीजिएगा, कंप्लीट करके अपने होमवर्क में सो कीजिएगा। आज की क्लास में आप ओवर किया जा रहा है। गुड बाय एवरीवन, सर गुड बाय, वेलकम।